रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान अब लगातार मीडिया से मुखातिब हो रही हैं और लगातार वह परत दर परत पशुपति कुमार पारस की धज्जियां उड़ा रही हैं, या कह सकते हैं कि उनकी पोल खोल रही हैं। उनका कहना है, रीना पासवान का कहना है कि जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस की जो बातें सामने आई है वह सरासर झूठ है। साथ ही रीना पासवान ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने अध्यक्ष और मंत्री बनने के लिए ये सब जो भी किया, घर परिवार को तोड़कर चकनाचूर कर दिए, वो तमाम बातें अगर वह आकर करते, एक बार भी अगर वह हमसे बात करते या हमने बात करने का जो प्रयास किया, उन्होंने एक भी बार हमारे बातों को जवाब नहीं दिया। साथ ही कहे कि मुख्यमंत्री जो मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री बनने की बात थी रामविलास पासवान के निधन के बाद, वो अगर बात होती तो वह भी वह बन जाते, और पार्टी के अध्यक्ष बनने की बात थी तो वह भी वही बनते, बस एक बार बात तो कर लेते, सारी चीज़ वही बनते, चिराग पासवान को एक कार्यकर्ता बनाकर पार्टी में रखते, सब कुछ चलता, मगर उन्होंने बात नहीं की। साथ ही यह भी कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में विरोध करना और विधानसभा में चुनाव अलग होकर लड़ना, यह रामविलास पासवान का फैसला था, जिसे चिराग पासवान ने लगातार उन बातों को रिपीट कर रहे थे। साथ ही पहली बार और इन दो दिनों में जिस प्रकार से रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान नजर आई मीडिया से मुखातिब होते हुए, साथ ही उन्होंने हवाला दिया और कहा कि 44 साल से जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो रामचंद्र पासवान की परिवार हों या फिर पशुपति कुमार पारस के परिवार हों, वह सब कुछ हमने करने का प्रयास किया, मगर फिर भी न जाने क्यों ऐसी बातें हुई और ये तमाम बातें ये समझकर सामने आई है। साथ ही अभी आरोप लगाए हैं रीना पासवान कि लगातार रामविलास पासवान भी घुट घुट कर मर रहे थे जब वह हॉस्पिटल में थे तब, और पशुपति कुमार पारस के बर्ताव से वह दुखी थे, यह कहना था रामविलास पासवान की पत्नी का। और लगातार चिराग पासवान तो हमला करते ही रहते हैं अपनी बातों से, लगातार वो बिहार सरकार के ऊपर पोल खोलते रहते हैं। साथ ही एक बड़ी खुलासा जो रीना पासवान ने किया कि लगातार पशुपति कुमार पारस झूठ बोल रहे हैं और वो लगातार यह काम कर रहे हैं, ऐसी कई बातों को लेकर लगातार और भी अपडेट्स मैं बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स लाता रहता हूँ। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।